नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी जो मसाला डोसा में हम लोग लगाते हैं, रेड चटनी, लाल चटनी, टमाटर से बनता है। बहुत आसान है उसको बनाना। आप जिस भी मसाला डोसा, चाहे मैसूरी मसाला डोसा हो, जो हम मसाला डोसा इसका राइस के साथ जो बनाते हैं उड़द, कोई भी मसाला डोसा हो उसमें आप इसको लगा कर इंजॉय कर सकते हैं। इवन आप इसको इडली के साथ, उत्तपम के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत आसान है बनाना। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें 1/2 टीस्पून हम सरसों का दाना डाल देंगे। सरसों हमारा चटक गया है, 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा डाल देंगे और जीरा के साथ ही 1/4 टीस्पून हम इसमें हींग डाल देंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून चना दाल जो आता है ना, स्किनलेस चना दाल, वो हम डाल देंगे। और मैं तड़का अभी दे रही हूँ, बाद में हम तड़का इसमें नहीं देंगे चटनी में। दे भी सकते हो, लेकिन सारा तड़का अभी हम दे लेंगे। इसके बाद हम ब्लेंड करेंगे, इसको पीसेंगे ना, सारा टेस्ट इसमें एकदम बहुत बढ़िया आ जाएगा। हमें तड़का फिर वापस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चटनी में। ये हमारा चना दाल एकदम लाइट ब्राउन हो गया है। इसी स्टेज पर हमें करना क्या है, हमने यहाँ पर 7 कली मैंने ले लिया लहसुन का, बड़े बड़े साइज़ का है। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। 3 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और 3 ही मैंने लिया है रेड चिली, जो स्पाइसी वाला होता है वो। और ये कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डाल रही हूँ ताकि कलर बहुत अच्छा है। अगर मैं आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। 10-15 मैं करी लीव्स डाल रही हूँ। कुछ सेकेंड हमें ये सब भी भून लेना है साथ में। पहले मिर्चा वगैरह भी भुन गया है। अब इसमें हम 1 छोटे साइज़ का डाल देंगे प्याज, ऐसे रफली ही चॉप कर लिया है। इसको भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, जस्ट इसका रॉ फ्लेवर, कच्चापन निकालना है हमको। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है हमारा अनियन, जो प्याज था। और आप इस जगह पे चने का दाल देखेंगे ना, कितना बढ़िया ब्राउन हो गया है। आप एकदम ब्राउन करके इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स मत डालना, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। चने के दाल जो है वो एकदम काला काला हो जाएगा, तो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 बड़े साइज़ का ऐसे रफली चॉप कर लिया है टमाटर, इसको हम डाल देंगे इसमें। और इसको डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ताकि हमारा टमाटर बढ़िया सॉफ्ट हो जाए। इसको सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा टमाटर एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। इसमें 1/2 टीस्पून हम इमली का पेस्ट डाल देंगे। अगर मैं आपके पास इमली का पेस्ट नहीं है तो आप इस जगह पे अमचूर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खटास डालना है इसमें ज़रूरी है। हमारा ये रेडी हो गया है। आज को हम बंद करके इसको कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे, तब इसको हम पीसेंगे। गरम गरम ही मिक्सर में पीसेंगे तो मिक्सर का ढक्कन जो है खुल के उड़ जाएगा, तो आप मत करना बिल्कुल वैसा, एकदम ठंडा करके ही पीसना। हमारा यहाँ पे ये एकदम कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। इसको हम बारीक पीस लेंगे मिक्सर जार में डाल के। यहाँ पे मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। इसको अब एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा एकदम चटनी स्मूथ बनकर एकदम रेडी हो गया है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा एकदम लाल कलर देना है तो इसमें फूड कलर आप डाल सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी जो तड़का है, तड़का देना है तो इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। लेकिन जैसे पहले मैंने कहा, तड़का डाल के हमने बनाया है, साथ में पीस लिया है, तो एकदम भिनी भिनी इसकी एकदम खुशबू और टेस्ट दोनों आ रहा है। अब इसको आप डोसा में लगा के आप खाओ, कोई भी डोसा हो, इडली, उत्तपम, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। कितना आसान है इस चटनी को बनाना। इसको बना के आप एटलीस्ट आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के इंजॉय कर सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होगा इस तरह से। आशा करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए हो चैनल पर वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।